Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0. हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1000 MCQ questions और आज की इस वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के मैं सॉल्व करने वाला हूं फिर से आप लोगों के लिए 10 questions. अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन. देखिए, सो ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ. ओके, सो कौन से पार्टनर्स को हम लोगों ने यहाँ पर देना है? सो रिटायरिंग पार्टनर को नहीं, सभी पार्टनर्स को देना है, रिमेनिंग पार्टनर्स को भी नहीं, ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. सो दिस इज द आंसर. तो जब भी हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसका जो भी गेन और लॉस है वो सभी पार्टनर्स को हमेशा क्रेडिट और डेबिट किया जाता है एज पर द लॉस और गेन. ठीक है, सो याद रखना हमेशा. सो ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 202. देखिए, सो ये कह रहा है दैट ए बी सी डी आर पार्टनर्स और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दी गई है 3:2:1:4. ये चार पार्टनर्स हैं जिनमें से ए पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है, यानी कि ये पार्टनर हमारा रिटायर हो गया. अब ए ने डिसाइड किया जब रिटायर होने का और उसका जो शेयर है वो अक्वायर कर लिया बी एंड सी ने इन द रेशियो ऑफ 2:3. सो बी और सी अक्वायर कर रहे हैं ये दोनों पार्टनर, लेकिन डी ने कुछ भी अक्वायर नहीं किया. तो डी का जो शेयर है वो ओल्ड शेयर था 4/10. सो इसका जो न्यू शेयर होना चाहिए ये भी कितना होना चाहिए, 4/10 ही होना चाहिए. ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है. कैलकुलेशन करने से पहले देखते हैं अगर इन रेशियोज में कहीं पर भी 4/10 हमारा आंसर आ रहा हुआ ना, तो इट मींस कि वो हमारा आंसर बन जाएगा विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. बट अगर दो मैच कर गए बाय चांस, दो में 4/10 हुआ तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. सो एक बार देख लेते हैं. ठीक है, इनका टोटल करते हैं फटाफट. सो 19+11 हो गया आपके पास 30, 30 प्लस हमारे पास 20 हो जाएगा 50. ठीक है, सो 20/50 को एक बार सॉल्व कर लो. सो आपके पास आ जाएगा 2/5. सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4/10. सो दिस कैन बी दी आंसर. अभी बाकी चेक करते हैं. 2+3 इज 7, 7+4 है ना, ओ नहीं सर, 2+1 इज 3, 3+4 इज 7. सो ये 4/7. सो दिस इज नॉट द आंसर 4/7, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 4/10 चाहिए. अब यहाँ देखते हैं, 8 और 7 15, 15 और 10 ये हो गया आपके पास 25. सो 10/25. ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. 5 2s and 5 5s. ओके, 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी आ रहा है 4/10. सो अब हमारे पास दो आंसर्स आ गए, यानी कि या तो आंसर ए होगा या तो आंसर डी होगा, इन दोनों में से एक आंसर है. सो क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर दो आंसर मैच कर गए तो अब हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी. ठीक है, सो इस बार हमारी ट्रिक जो है ये फेल हो गई, बट कोई बात नहीं, अब हम करेंगे इसका एक्चुअल कैलकुलेशन का सॉल्यूशन. देखिए, सो हमारे पास ए का जो शेयर था, एज शेयर वॉज 3/10 एंड दिस शेयर इज अक्वायर्ड बाई बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:3. सो पहले तो इसको 2:3 में बांट लेते हैं. सो 3/10 मल्टीप्लाई 2/5 एंड 3/10 मल्टीप्लाई 3/5, राइट. सो ये हो जाएगा आपके पास 6/50 और ये आपके पास आ जाएगा 9/50. ठीक है, सो ये वो शेयर्स हैं जो अक्वायर किए गए हैं बाय बी एंड सी. सो अब देखते हैं बी का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है. ओल्ड शेयर बी का था 2/10 और सी का जो ओल्ड शेयर था दैट वॉज 1/10. अब इनमें प्लस करेंगे हम वो शेयर जो इन्होंने अक्वायर किए हैं. सो 6/50 अक्वायर किया, सो 6/50 यहां पर ऐड करोगे प्लस, और उसके बाद 9/50 यहां पर ऐड करोगे. ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको 50 बना रहा हूँ. तो 2/10 को 50 के इक्वल करने के लिए क्या करोगे आप, 5/5 से मल्टीप्लाई करोगे. सो ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया 10, ये हो गया 50. सो 10+6 इज 16/50. इसको भी सेम करूंगा मैं 5/5 से, तो ये हो गया 5/50. सो 5+9 इज 14/50. राइट, सो ये आ गया हमारे पास शेयर 16/50, 14/50 और डी का तो शेयर हमारे पास ऑलरेडी है 4/10. सो 4/10 को भी 50 बना लेते हैं. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5/5 से, तो ये हो गया है 20/50. सो 20/50 देख के इसको टिक मत कर देना. रेशियो क्या बन रही है, 16:14:20. थोड़ा और शॉर्ट करेंगे, 2 कॉमन है. सो 10:2 इधर 7 और इधर आ गया 8. सो 8/7:10. सो 8/7:10 दिस इज द आंसर. ये आंसर नहीं बन पाया आपका. ठीक है, यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन 20/50 देख के मत कर देना. चलो, आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ आई हो. ट्रिक हमारी इस बार फेल कर गई, बट प्रीवियस वीडियोस में काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां हमने डायरेक्ट कैलकुलेशंस करने की बजाय सीधा इस ट्रिक से आंसर फाइंड आउट किया था. चलो चलते हैं आगे. सो नाउ नेक्स्ट इज 203. ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूजा, नीता एंड अनीता, ये तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. पूजा जो है वो बिजनेस से रिटायर हो जाती है और उसका शेयर इज टेकन ओवर बाय नीता एंड अनीता इक्वली. सो इक्वली एक्वायर किया गया, देखिए जरा. सो पूजा का जो एक्चुअल शेयर था पहले वो देखते हैं, दैट वाज 3/6. इट इज अक्वायर्ड इन द इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि 1/2, यानी कि 3/12. सो 3/12 अक्वायर किया है नीता ने और 3/12 अक्वायर किया है अनीता ने.
चलिए, सो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो पहले शेयर निकालते हैं हम लोग नीता का। सो नीता का ओल्ड शेयर देखिए कितना है, ओल्ड शेयर इज 2/6। अब इसमें क्या प्लस करोगे, इसमें प्लस करोगे 3/12। इसके बाद है अनीता, इसका भी शेयर था ओल्ड 1/6 और इसको भी कितना मिला 3/12। सो न्यू शेयर निकालना है। अब फिर दोबारा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, इसको 12 करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 4+3 7/12 और ये आ जाएगा आपके पास 5/12। सो न्यू रेशियो इज 7:5। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। आप इसको भी प्लस करोगे, सो यहाँ पे 2/12 हो जाएगा, 2+3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आया हो, कैलकुलेशन काफी आसान हो गई। 7:5 इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट इज ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5, 1, 2 एंड 3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इफ बी रिटायर बी एंड, ओके सो यहाँ पे कह रहा है दैट इज सी। सो बी एंड सी रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो बी और सी अगर एक साथ रिटायर हो जाएंगे और कोई एक्विजिशन का हमारे पास केस नहीं गिवन, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो शेयर बचा किस किस का, डी का और ए का। सो ए और डी की जो आपसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट विल बी 5:3, जो कि है आंसर नंबर ए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे छोटा सा एक एरर था, ये बी एंड सी रिटायर होने थे फर्म से। ठीक है, सो आगे चलते हैं। ओके, सो ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर the अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। ये प्रीवियस वीडियो में ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चन आया था, तो फिर भी करते हैं इसको। ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर इन ओल्ड, रिटायरिंग पार्टनर ओनली, नो, गेनिंग पार्टनर इन देयर, नो। सो आंसर इज जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी उसका जनरल रिजर्व है वो हम उसको देंगे जाते हुए। सो आगे चलते हैं। सो आंसर इज ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 206, इट सेज On 1st April, PQR जो है वो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है और आफ्टर दैट Q जो है वो रिटायर हो जाता है। ठीक है, सो Q जो है वो रिटायर हो गया, यानी कि ये पार्टनर। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी एन आर विल बी 3:2। सो गेनिंग रेशियो आपको निकालनी है यहाँ पे, चलिए निकालते हैं। सो P का हमारा जो न्यू शेयर है दैट इज 3/5 और इसमें से ओल्ड शेयर माइनस करेंगे इसका जो कि था 2/5। एंड देन इज R, R का न्यू शेयर इज 2/5 जिसमें से माइनस करेंगे इसका ओल्ड शेयर जो कि था 1/5, राइट। सो हमारा जो गेन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/5 एंड 1/5, यानी कि इक्वली इन लोगों ने गेन किया। सो ऑप्शन नंबर इज डी। सो डी इज द आंसर। ये काफी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इन पहली दो वीडियोस में चल रहे हैं हमारे, लाइक जहां 2:0 जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें भी रेशियोज के कुछ ज्यादा क्वेश्चन थे और इसमें भी रेशियोज के ही क्वेश्चन है। इससे जो अपकमिंग वीडियोज हैं उसमें केस स्टडीज एंड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियोज हैं इन इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर होते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप बोर ना हो रहे हो, बस कि आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सो विदित, सुमित एंड मीता आर पार्टनर्स, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। सो मीता जो है उसकी डेथ हो जाती है, सो रिटायरमेंट के साथ साथ यहाँ पर डेथ भी आ गई है, कोई बात नहीं। सो मीता जो पार्टनर है इसके जाने का हमें अफसोस है और एंटायर शेयर वॉज टेकन ओवर बाय विदित, यानी कि इसका पूरा का पूरा जो शेयर है किसने अक्वायर कर लिया, इसने अक्वायर कर लिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सीधा ही आ जाएगा 5:3, क्यों आएगा देखो। सो 4:3:1, सबका टोटल कितना है 8। सो ये 1/8 जो है यहाँ के प्लस हो गया, सो इसका शेयर कितना हो गया 5/8 और जो दूसरा पार्टनर है उसके पास एज इट इज पुराना शेयर है जो कि 3/8। सो रेशियो क्या बन गई 5:3। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 208, इट सेज ओके, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स एंड सी रिटायर, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। सो पहले इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी गई। गेनिंग शेयर ऑफ ए इज 1/9 एंड गेनिंग शेयर ऑफ बी इज 2/9। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी विल बी, ओके। सो यहाँ पर आ गया है एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सो मुझे खुशी हुई इस क्वेश्चन को देख के। देखिए, सो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और उसके बाद गेन भी है। देखो, एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। देखिए, सो गेनिंग का जो फॉर्मूला है दैट इज न्यू माइनस ओल्ड, राइट। गेनिंग का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। तो हमारा ओल्ड शेयर क्या हुआ, ओल्ड शेयर हुआ न्यू माइनस व्हाट, न्यू माइनस गेन। सो अब आप चेक कीजिए कि हमारा जो पहला पार्टनर है ए बी सी में से कौन गया था, सी गया था, तो ए का गेन निकालते, ए का ओल्ड शेयर निकालते हैं पहले। देखिए, सो ए का जो शेयर है न्यू वाला दैट इज 5/8, इसमें से क्या माइनस करोगे जो उसने गेन किया, जो कि है 1/9। ठीक है, आफ्टर दैट दूसरा पार्टनर है हमारे पास बी, और बी का देखिए जो शेयर है दैट इज 3/8 और इसने कितना गेन किया, इसने गेन किया है 2/9। सो इसको माइनस कर देंगे हम लोग, ये हो गया हमारे पास 72/45-8। सो ये आपके पास आ जाएगा 37/72। ठीक है, और इसके बाद ये है हमारे पास
फिर 72 आया, 9 3 27 माइनस 16, सो ये आ रहा है हमारे पास 11/72. सो ए और बी का हमारे पास शेयर आ चुका है. अब सी का शेयर देखो कैसे निकलेगा. सो सी का जो शेयर है वो उन दोनों पार्टनर्स ने गेन किया हुआ है. सो ए ने कितना गेन किया, 1/9, और दूसरे पार्टनर ने कितना गेन किया, 2/9. तो अल्टीमेटली जो सी का शेयर था दैट वॉज 3/9. सो 3/9 को अब 72 के इक्वल लेकर जाना, हमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8/8 से. सो ये हो गया है आपके पास 24, ये हो गया 72. ठीक है, सो हमारी जो रेशियो बन रही है ओल्ड दैट वॉज 37:11:24. ठीक है, सो आंसर जो है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी. अब इस क्वेश्चन को ना आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, लाइक मैंने इतनी लंबी कैलकुलेशन की, सीधा ही आंसर निकाल सकते थे. ट्रिक है, फॉलो करके देखते हैं. देखिए, सो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट ए को, ए का गेन मतलब ए और बी ने जो गेन किया है वो उसको ऐड कर लो. ठीक है, सो जो कि आ रहा है आपके पास 3/9. अब आप चेक कीजिए कि कहीं पर भी किसी भी कैलकुलेशन में अगर 3/9 बन रहा है तो वो आंसर हो सकता है. देखिए, सो ये कितना है, 5 + 3 = 8, 8 + 1 = 9. सो ये आ रहा है 1/9, तो ये इक्वल टू 3/9 नहीं है, तो इट मीन ये आंसर नहीं है. आगे चलते हैं, 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10, सो 2/10 है, सो ये भी हमारा आंसर नहीं है. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये तो ऑब्वियसली हमें पता ही, अब तो ये आंसर है. सो 24/72 = 3/9, इसको प्लस करते हैं. देखिए, सो ये है आपके पास 37 + 24 + 11. ओके, सो ये हो तो रहा है, लेकिन ये 11/72 है जो कि हमारे सी का शेयर नहीं है, सो ये भी आंसर नहीं. यानी मैं इस पूरे क्वेश्चन को अपनी पुरानी उसी ट्रिक से फॉलो करके आंसर निकाल सकता था, बट क्योंकि मैंने उसको फॉलो किया नहीं और डायरेक्ट कैलकुलेशन शुरू कर दी, तो अब तो लेट इट बी हो गया है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 37, 11 and 24. तो आप इसको फॉलो कर सकते हो. अगली बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 209 की तरफ. सो देखिए, सो यहां कहा जा रहा है अमला, बिमला एंड कविता, किस तरीके के नाम है ये. सो 4:3:1 इनकी रेशियो है. बिमला जो है वो फर्म से रिटायर हो जाती है. आफ्टर दैट प्रॉफिट टू दी 3600 एंड कविता 3000. सो बेसिकली ये है गुडविल का क्वेश्चन है ये यहाँ पर. सो गेनिंग रेशियो में निकालनी है. सो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो और वो अपना शेयर किसी एक प्रोपोर्शन में दूसरे पार्टनर को सेल कर दे, तो ऑटोमेटिकली वो गेन हुआ उन दोनों पार्टनर्स का. तो देखिए, सो अगर अमला एंड कविता इन दोनों ने गेन कितने शेयर पे किया है, 3600, और कविता ने कितने पे किया है, 3000 पे. तो इसकी रेशो निकाल लेते हैं एक बार. देखिए जरा, सो ये 2 0 गई, सो 30 and 36 बच रहा है. 3 के टेबल पे चलते हैं पहले, 10 and 12. ठीक है, 2 कॉमन है, 6:5. सो दिस इज द गेनिंग रेशो. सो ये बेसिकली क्या है, ये है हमारी गेनिंग रेशो. ठीक है, सो गेनिंग रेशो चेक कीजिए ऑप्शंस में. सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 209. चलिए आगे चलते हैं, आसान था ये काफी. चलो, सो नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, ये है एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1. आफ्टर दैट बी रिटायर्ड, बी जो है वो रिटायर हो जाता है फर्म से, एंड इक्वली ए और सी ने उसका शेयर जो है वो अक्वायर किया. ठीक है, उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन दी गई, दे डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल बी 1:1. सो इक्वली अक्वायर करने के बाद ये करने की जरूरत क्या थी हमें. सो 1 April 2020, सो ये दो अलग अलग केस है. सैक्रीफाइस गेन रेशियो ऑफ ए On 31st March 2021 will be. So, हमें यहां पर निकालनी है. ठीक है, सो देखिए ये बेसिकली क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूं. सो पहले क्या हुआ, एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया, और एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद ईयर एंड के पास दोनों पार्टनर ने दोबारा अपनी रेशियो जो वो चेंज कर ली. अब उनका गेन और सेक्रीफाइस निकालना है हमें. सो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं यहां पर. ठीक है, सो देखिए, सो हमारी जो ओल्ड रेशियो है, सबसे पहली जो रेशियो है ए बी और सी की, वो कितनी है, 5:2:1 है. सो कौन रिटायर हुआ, बी रिटायर हुआ. इसका शेयर कैसे गया, इक्वली. सो बी का जो शेयर था दैट वॉज 2/8. इसको इक्वली अगर मुझे डिवाइड करना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि हो जाएगा 2/16. सो ए का जो ओल्ड शेयर था दैट वॉज 5/8, और इसने कितना अक्वायर किया, इसने अक्वायर किया 2/16. सी का जो ओल्ड शेयर था दैट वॉज 1/8, और इसने अक्वायर कितना किया, 2/16. तो इनको एड कर लेंगे, इससे इनके न्यू रेशियोज आएंगी. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके पास 12/16, और ये हो जाएगा आपके पास 4/16. सो जब हमारा पार्टनर रिटायर हुआ था तो ए और सी की जो एक्चुअल में न्यू रेशियो बनी थी दैट वॉज 12:4. शॉर्ट करेंगे तो इसको ये बन जाएगी 3:1. सो दिस वॉज द न्यू रेशियो ऑन 1 April 2020. अब 31st March को, 31st March 2021 को ये डिसाइड करते हैं कि अब से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो वो क्या हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी. सो अब देखिए, अब यहां पर ए का जो ओल्ड शेयर बन जाएगा वो बन जाएगा 3/4. ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना. ठीक है, और इसका न्यू शेयर क्या बन जाएगा, 1/2. ऐसे ही जो सी पार्टनर है, इसका ओल्ड शेयर बन गया है 1/4, और न्यू शेयर क्या बन गया है, 1/2. चलो इनका डिफरेंस लेते हैं फटाफट से, इसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास, इसको 4 बना लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा. सो 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये आ जाएगा आपके पास 1/4.
अब इसके पास आते हैं फिर से, सो ये हो जाएगा -1/4। तो अल्टीमेटली सी जो पार्टनर है ये गेनिंग है, राइट, और ये जो पार्टनर है ये सेक्रीफाइजिंग है। चलो अच्छा क्वेश्चन था, काफी मजा आया। चलिए सो अब ऑप्शन देखते हैं हमारे क्या क्या हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। सो गेनिंग सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो ऑफ ए, सिर्फ ए का हमें बताना है। सो ए पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, 1/4। तो 1/4 सेक्रीफाइस, 1/2, 1/2, 1, ये। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो चलिए आई होप कि जो 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं आपके नॉलेज में कोई ना कोई तो इन्होंने एडिशन किया होगा। सो इसी तरीके से इन वीडियोस के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो वीडियो का आपको बेस्ट पार्ट लगा हो या बेस्ट क्वेश्चन लगा हो तो आप अपने कमेंट इन्हीं कमेंट बॉक्स में अपना वो क्वेश्चन जरूर मेंशन कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको पहले नहीं आता था बट अब आपको ये आता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन के साथ।